दुनिया भर के बाजारों में आज है रिकवरी के संकेत और कल अहम लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद भारतीय बाजार आज खुलेंगे गैप से ऊपर। ऊपर खुलने के बाद कितना और बढ़ेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। रिकवरी के संकेत जरूर है आज के लिए, लेकिन देखना यह भी अहम होगा कि आज के लिए कौन से ऐसे चार अहम ट्रिगर हैं जिसके इर्द गिर्द आज बाजार की चाल निर्भर होती हुई दिखेगी। तो पहले नजर डालते हैं आज के चार अहम ट्रिगर्स पर। उन ट्रिगर्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रिगर है अमेरिकी बाजारों से, जहां पर अमेरिकी बाजार जबरदस्त उछाल दिखाते हुए नजर आए। कल जब हम बंद हुए थे, डाउ एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, कमजोर खुला भी, लेकिन उसके बाद रिकवरी जो आई वो काबिले तारीफ है। लगभग 450 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से दिखी और बंद होते होते हम 200 अंक मजबूती के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजारों पर। टेक शेयरों में दमदार तेजी दिखी, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर अभी भी खबरें अच्छी नहीं है। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यही कि कुछ फैक्ट्रीज वहाँ पर खुली है, उससे थोड़ा सा मूड ठीक होता हुआ दिखा। लेकिन कच्चा तेल ग्लोबल स्लोडाउन की चिंताओं से और नीचे आता हुआ $53 के करीब। और आज है दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भी, और वोटों की गिनती बस अब शुरू हो चुकी है इसी वक्त से। ओके, तो ये हैं आज के लिए चार अहम ट्रिगर्स जहाँ तक आज के सेशन की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसेक निफ्टी करीब 50 अंकों के आसपास की बढ़त शो कर रहा है। कल यूएस के मार्केट रिकवर होकर बंद हुए और आज जो एशियन मार्केट में शुरुआत हुई है, हालांकि जापान के बाजार बंद है, निकेई में छुट्टी है, लेकिन बाकी बाजार जो खुले हैं वहां पे पॉजिटिव कारोबार होता हुआ दिखे। खासतौर पर हैंगसिंग देखिए, 400 अंकों के आसपास की मजबूती, 1.5% के आसपास का उछाल है। तो कल जो नेगेटिव थे ग्लोबल संकेत, आज थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़े बेहतर तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार थोड़ा सा रिएक्शन पॉजिटिव दे रहे हैं, कमजोर नहीं हो रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अहम लेवल से बाजार सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर हमारे बाजार हों या फिर अमेरिकी बाजार। एक अच्छी खबर जो दुनिया भर के बाजारों से दिख रही है संदीप, वो ये कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब एक साथ सीधे 9 फरवरी तक चीन ने ऐलान किया था कि सारे कामकाज बंद रहेंगे, और कल 10 फरवरी थी और 10 फरवरी के दिन वहाँ पर कुछ बड़ी फैक्ट्रीज, इंटरनेशनल कंपनियाँ जो है, टेस्ला हो गई, GM हो गई, फॉक्सकॉन हो गई, उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया है। ये एक अच्छी खबर आई। फर्ज करें कि अगर ये बड़ी कंपनियाँ 10 फरवरी को नियत समय पर अपना प्रोडक्शन फिर से शुरू नहीं करती और ये कहती कि नहीं चिंताएँ और ज़्यादा है, हम थोड़ा और रुकेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से एक ये बाजार के लिए धक्के वाली बात होती है। अब भले ही उन्होंने किसी भी लेवल पर प्रोडक्शन किया हो, लेकिन एक कमिटमेंट दिखाकर ये कि प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर आपको राहत दे सकता है कि हालात शायद उतने बुरे नहीं हैं जितना हम हो सकते थे या सोच रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो अभी भी मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, 4 digit में आ चुकी है, 40,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, तो कहीं कोई राहत के संकेत अभी भी इतना जल्दी नज़र नहीं आ रहे। तो मार्केट का रिएक्शन एक अलग होता है, और मार्केट हर रोज़ गिर नहीं सकता, हर रोज़ बढ़ नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक कोरोना वायरस को लेकर कहीं कोई कंट्रोल में आने के संकेत अभी भी नहीं दिख रहे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, बाजारों की तेज़ी अपनी जगह, उसकी वजह से हम भी बढ़ेंगे, दुनिया भर के बाजार बढ़ रहे हैं, चिंताएं आज थोड़ी कम हैं क्योंकि ये सारी फैक्ट्रीज खुली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गई हैं। तो आपको वोलेटाइल मार्केट्स के लिए तैयार रहना होगा, ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना होगा, बढ़ेंगे भी, मजबूती भी होगी, बस वही है, आपको रेंज को ट्रेड करना आना चाहिए। ओके, ठीक है, इस रेंज को समझेंगे कि क्या रेंज है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन ग्लोबल संकेत आपने समझे, बाकी संकेत किस तरह के सर? इसमें ग्लोबल संकेतों में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, एक और जहाँ है ना संदीप, यहाँ पे देखिए जो संकेत पढ़ रहे हैं उसमें वैसे आज आपको बहुत दो संकेत बहुत अच्छे दिखेंगे कि एक दुनिया भर के बाजार अच्छे हैं, दूसरा कच्चा तेल उसके साथ में नीचे है। आमतौर पर दोनों चीज़ साथ में नहीं होती कि आपको कच्चा तेल $53-54 के आसपास मिले और बाजार भी अच्छे हों, राइट? नहीं तो बाजारों की मजबूती के साथ कच्चा तेल भी बढ़ता है। अब इसमें दो तरीके से देखिए किस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की पिक्चर अलग अलग दिखती है इन दो संकेतों में। शॉर्ट टर्म क्या है कि कुछ बड़ी कंपनियाँ अपना प्रोडक्शन, अपना कारोबार शुरू कर रही है, इसलिए दुनिया भर के बाजार मजबूत है। लॉन्ग टर्म क्या है या मीडियम टर्म क्या है, ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन होगा कोरोना की वजह से, इसलिए कच्चा तेल नीचे। दोनों अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहा है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप व्यू आज का ले रहे हैं, आज का व्यू ले रहे हैं तो आपको रिकवरी के लिए ट्रेड करना है। आप मीडियम टर्म व्यू ले रहे हैं तो आपको पता है कि ऊपर शायद बाजार टिके हैं मुश्किल से, जब तक कि यहाँ अच्छी खबरें ना आने लगे। तो इन दोनों को आपको मिलाकर देखना है। ग्लोबल संकेतों में दो अलग अलग संकेत आपको दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव साइड पर है, मीडियम टर्म अभी भी थोड़ी चिंता है।
इसीलिए आपने न्यूट्रल लिखे ग्लोबल, इसीलिए न्यूट्रल लिखा है। ठीक है, तो बाकी संकेत, बाकी संकेतों में एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, सेंटीमेंट कोशिश से थोड़ा पॉजिटिव है। अगर यही कोरोना को लेकर थोड़ी खबरें अच्छी आती तो मैं जरूर पॉजिटिव कर देता, लेकिन मैंने इसको न्यूट्रल ही रखा है या कोशिश ही रखा है, इसे आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड बिगड़ा नहीं है, सेंटीमेंट दूसरे दिन कॉशियस है और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ये अच्छी चीज़ है, ये राहत की बात है। और ग्लोबल संकेत आज थोड़े से बेहतर है जहाँ तक अगर आप कल के मुकाबले इसके बनस्पत देखें तो। लेकिन अब आज के लिए जैसे आप कह रहे थे कि रेंज को ट्रेड करना चाहिए, फिर आज के लिए सपोर्ट और रेंज क्या है? देखिए 12,000-12,075 ये आज की निफ्टी की ट्रेडिंग है, जो ज़्यादा संभावना है कि आप 12,075 से 12,100 के बीच में कहीं आज निफ्टी पर आप शुरुआत करें, जिस तरह के संकेत आपको एसजेक्स निफ्टी से इस वक्त मिल रहे हैं। 11,975 से 12,100 ये आपकी मीडियम रेंज है और ज़्यादा संभावना है कि इस मीडियम रेंज के आसपास आप कहीं कहीं शुरुआत करते हुए दिखेंगे, और उसके बाद बड़ी रेंज जो बनती है वो 11,950 से लेकर 12,160 की निकल कर आ रही है, 150-160 जो भी गिन ले, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपके लिए बड़ी रेंज है। अभी एज ऑफ नाउ मैं 12,150-12,160 के ऊपर जाते हुए बाजार को नहीं देख रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा और फिर 12,200 तक की जगह आराम से खुलती हुई दिख सकती है, तो देखते हैं वो होता है या नहीं। फिलहाल रेंज ये दिख रही है कि आपको 12,000 तोड़ने की जल्दी नहीं है, 12,150 पार करने की जल्दी नहीं है, और 10-10 पॉइंट से हमने इस रेंज को तोड़ा है, 12,160 का हाई बनाया था, 11,990 का लोकल हमने बनाया, तो 12,150 ये ब्रॉडर रेंज है निफ्टी की। इस रेंज के किसी एक और संदीप अगर आप क्लोज होते हैं तो एक निर्णायक मुंह के लिए तैयार होइए। 12,150 के ऊपर अगर आप बंद होते हैं तो आप ये समझिए कि आप 12,300-12,400 की रेंज में जाने को तैयार हैं, 12,000 के नीचे बंद होते हैं तो आप 200-250 पॉइंट और गिरने को तैयार हैं, ये सिंपल फॉर्मूला है। इस रेंज के बाहर बंद होना है, हो सकता है इंट्राडे में एक बार आप अटेम्प्ट कर लें इस रेंज को कहीं किसी तरफ तोड़ने की, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर जो एक क्लियर कट रेंज निकल कर आ रही है 12,000-12,150। ओके, तो ये गोल पोस्ट है आज के लिए 12,000-12,150 एब्सोल्युटली क्लोजिंग बेसिस पर। हाँ, क्लोजिंग के लिहाज से ये बहुत ही अहम है। ये बात होगी निफ्टी की, अब बैंक निफ्टी 31,000-31,200 आज की छोटी ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है, 31,200 के आसपास आप ज़्यादा संभावना शुरुआत करेंगे, 30,900 से 31,300 ये आपकी मीडियम रेंज होगी, और 30,800 से 31,350 या 31,450 तक की भी मैं दे सकता था, लेकिन मैंने 31,350 की ही दी, अब आई डोंट नो वो सही है या गलत, 31,450 तक की भी जगह बनती है तो चाहें तो आप इसको 31,450 भी कर सकते हैं सेफर साइड पर, तो बड़ी वाली रेंज को 30,800 से 31,450 कर लें, हाँ, लेकिन उसके पार तो बिल्कुल नहीं है, ये बात पक्की है। ओके, ठीक है, ये है बैंक निफ्टी के लिए रेंज आज के लिए। अच्छा, इसमें भी कोई गोल पोस्ट है, कोई निर्णायक लेवल है आज के लिए? इसमें संदीप देखिए 31,000 के नीचे आप बंद होंगे तो आपके लिए कमजोरी का संकेत आएगा और तब आपके लिए 200 से 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी पर रिस्क खुल जाती है, जैसे निफ्टी पे 12,000। हाँ, और इधर 31,300 के ऊपर बंद होंगे, क्लोजिंग बेसिस पर 300 पॉइंट की रेंज है, नीचे 31,000 ऊपर 31,300, 31,300 बंद होंगे तो आपके 400-500 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी पर ऊपर खुल जाएगी। नीचे में डाउनसाइड कम है, ऊपर हाँ नीचे में भी डाउनसाइड में क्या आप ये मान सकते हैं कि 30,600-30,650 तक आ सकते हैं, 30,650 के आसपास बैंक निफ्टी में बहुत मजबूत सपोर्ट है और 30,300 के पार बंद हुए तो और अच्छी तेजी बन जाएगी। ओके, ठीक है, ये है आज के लिए रेंज जिसकी आप बात कर भी रहे थे कि आज रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा और बहुत अहम लेवल से जो आपके सामने रखे भी गए हैं। अब जिनके पास तेजी की पोजिशन पहले से खड़ी हुई उनके लिए क्या राय होगी? 12,000 कल भी हमने यही लेवल दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे में अगर किसी का हो गया स्टॉप लॉस तो हो सकता हुआ हो क्योंकि 11,990 का लो तो बनाया था, नाम के लिए वही 8-10 पॉइंट की रिस्क आपको लेनी पड़ती है, 10 पॉइंट एग्जैक्टली आप पॉइंट टू पॉइंट बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो 11,990 पर अगर ट्रिगर हो गया किसी का इंट्राडे में तो अलग बात है, अदरवाइज 12,000 का इंट्राडे और क्लोजिंग आज भी जिसको आप 11,990 भी मान सकते हैं तो कल का लो जो है वो आपका क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो, और अगर आपकी तेजी की पोजीशन बैंक निफ्टी पर है तो छोटा स्टॉप लॉस रखिए और वो होगा कल का लो का 30,950 का, यहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और जिनके पास मंदी की या शॉर्ट पोजीशन खड़ी हुई है उनके लिए क्या राय होगी? मंदी की पोजीशन के लिए सिंपल है कि आपको 12,100 छोटा स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, 12,100 के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं रखना, 12,100 पार हो अब काट लीजिए उसको, मैं वायदा कारोबार के डेटा में विस्तार से समझाऊंगा, ये मुझे याद दिलाएगा कि 12,100 की आज इतनी अहमियत क्यों है। ठीक है, 31,200 ये बैंक निफ्टी का हो गया आपका हायर लेवल, आप 31,250 भी रख सकते हैं लेकिन मेरे को ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं है किसी भी तरफ,
क्योंकि रेंज छोटी है और छोटी रेंज में बड़ा स्टॉप लॉस में मजा नहीं आएगा, छोटा ही रखना है, क्लियर कट। ठीक है, ये तो बात हो गई इनके पास मौजूदा पोजीशंस हैं तेजी या फिर मंदी की। अब अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है, फ्रेश एंट्री अगर किसी को करनी है तो क्या होगा? 11,950 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 12,075 12,100 ये वो रेंज है जहां पर आप शुरुआत करेंगे। ये टारगेट आपके दो हो गए, ऊपर की तरफ 12,150 और 12,200 ये आपके लिए दो और लेवल बनते हुए आ सकते हैं। एक्सट्रीम केस में 12,200 वैसे मैंने रेंज में दिया नहीं है, लेकिन अगर आप 12,150 के पार निकले तो फिर 12,200 तक की जगह बन जाती है। बेचना कहाँ है ये ट्रिकी है थोड़ा सा। 12,150 में तो मैं कंफर्टेबली बेच सकता हूँ, किसी को पूछना नहीं है, लेकिन क्या 12,100 से ही बेचना शुरू कर देना चाहिए? ये मुझे वायदा कारोबार के डेटा कह रहे हैं कि हाँ बेचना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत जिस तरह से एशिया बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत तूफानी से आप बढ़ जाएं, तो फिर 12,150 12,200 रेंज ज़्यादा सही है बेचने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा मजबूती ना हो, ढीला दिखे मामला, तो 12,100 पे भी आप सोच सकते हैं। तो 12,100 मेक और ब्रेक लेवल है आज, तो 12,100 के आसपास अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर तो बेचें, अदरवाइज आपको 12,200 से ही शुरुआत करनी है, सॉरी 12,150 से ही शुरुआत करनी है। स्टॉप लॉस 12,200 होगा, 12,075 25 और 12,000 ये तीन टारगेट नीचे की तरफ। ओके, ये निफ्टी की बात। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा, ऊपर बेचना तो चाहिए, बेचने में डरना नहीं, जैसे कल लेने में नहीं डरना था आपको, कल बहुत ठोक बजाकर बोला कि 12,000 के आसपास आप लेना है। प्लस कल ये भी आपको बोला था जब क्लोजिंग में 3:20 पे कि आप पुट लेके जाइए, तो इसी वजह से कि नहीं तो सीधे फ्यूचर शॉर्ट करने की राय दे सकते थे, लेकिन पुट ये, और ये भी बोला कि 12,100 तक आपको एक चांस लेना है। तो आज भी अगर बहुत गैप से खुलेगा और अगर एशिया का माहौल उतना दमदार नहीं दिखा, तो 12,100 पर एक बार की आपके लिए एवरेज करने का चांस बन सकता है पुट में, कि थोड़ा और खरीदें ताकि नीचे आए। देखते हैं कैसा क्या कुछ माहौल रहता है 9:08 पर। तो अगर आपकी 3:20 की BTST वाली स्ट्रेटेजी है तो मैं 9:08 पर आपको और बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी निफ्टी की नई पोजीशंस की, जहाँ तक बात है आप बैंक निफ्टी 30,900 या 30,950 जो ठीक लगे आप वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 30,950 भी लगा सकते हैं आप कल के लो का, ज़्यादा सेफ लगाना है तो 30,900 का लगा लीजिए। 31,200 31,300 350 और 450 तक की जगह ऊपर है बैंक निफ्टी में। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म रेंज आपको लेवल्स बड़े दिख रहे हैं और ब्रॉडर रेंज आपको छोटी दिख रही है, क्योंकि आज हायर रेंज पे आप वो लेवल नहीं आ रहे हैं 31,350 के ऊपर के, लेकिन इंट्राडे में 31,450 तक के दिख रहे हैं। कभी अगर गलती से आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल जाए तो वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। अब इनमें इन खबरों में एक चीज़ और भी है जो दिल्ली के रिजल्ट्स हैं। आप दिल्ली के रिजल्ट पर पूरी कवरेज आप देख भी रहे हैं, ऊपर आप टॉप बैंड में देख सकते हैं कि रिजल्ट्स वहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में एक चीज़ और भी है कि आम आदमी पार्टी की जीत तो डिस्काउंटेड ही है, बाजार को पता ही। कल अगर थोड़ा बहुत बाजार हल्के फुल्के नीचे आए तो उसमें आप एक हल्का एग्जिट पोल का जो रुझान था वो भी मान सकते हैं। अब यही वाली बात है कि कितनी सीटों से इक्वेशन बनती है, बहुत वन साइडेड की 65-70 सीटें आपको मिल जाए तो शायद बाजार थोड़ा रिएक्शन और दे सकता है। और अगर थोड़ी फाइट उतनी बुरी ना हो कि 15-20-25 सीट अगर बीजेपी के पास आ जाए तो शायद सिचुएशन ठीक ठाक सी रहे। तो लिमिटेड इम्पैक्ट है। बहुत सारे लोग मुझे ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं, जहाँ वीकेंड पर इधर उधर थे हम सोशल गैदरिंग में, दिल्ली के रिजल्ट, दिल्ली का मार्केट पर कोई असर नहीं है। और मार्केट पर असर तब पड़ता है जब कुछ सरप्राइज आए। मार्केट को सरप्राइज या शॉक यही पसंद नहीं है। सरप्राइज आएगा भागेंगे, शॉक लगेगा गिरेंगे। तो दिल्ली के रिजल्ट में न सरप्राइज आने वाला है न शॉक, पता है पहले से कि ये रिजल्ट आने वाला है। जो पता है वो मार्केट को ऑलरेडी प्राइस में है, सिंपल। अगर बीजेपी जीत गई तो यही तो मार्केट को पता नहीं है, यही सरप्राइज है, ये सरप्राइज होगा अगर ऐसा होता है तो उम्मीद है शायद ये तो बीजेपी को भी नहीं होगी। ये जवाब अच्छा लगा मुझे, है ना, ये बड़ा जवाब था। तो ठीक है, पॉइंट यही है, 10-15 सीट अगर बीजेपी की आती तब तक ठीक है, उससे ज़्यादा आई तो मार्केट उसको थोड़ा सा मतलब, लेकिन उस पर कोई मार्केट को बढ़ना नहीं है। और 65-70 की पूरी आ गई अगर आम आदमी के पास तो थोड़ा मार्केट को झटका लगेगा। ठीक है, चलिए ये
खरीदारी की बात थी तो आपने दिल्ली के चुनाव के नतीजे भी छेड़े, इसमें बेचने में क्या बताया? हाँ, बेचने में देखिए, अब संदीप यही वाली बात है कि बेचना कहाँ से है। मैं 31,350 में बहुत कंफर्टेबल हूँ बेचने के लिए, लेकिन 31,250 से मुझे मूड बनाना है बेचने का, तो 250 पे 300 350, ये तीनों 50 पॉइंट पर सब रेजिस्टेंस है, फिर सीधा 450 पे आता है, तो इस रेंज में ऊपर में बेचना है। कहाँ बेचना है हम देखेंगे। 31,500 स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, 31,200 31,100 31,000 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली। ठीक है, PCR की जहाँ तक बात है ये तो कम हो के आया कल से। हाँ, थोड़ा 8 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, ठीक है, कंफर्टेबल है, विक्स भी कंफर्टेबल है। ठीक है, तो फिर अब पहले सेक्टर्स की बात करिए, वायदा बाजार के आंकड़ों की। पहले सेक्टर्स में तेल कंपनियां, बायोन डिप्स है, OMCs। हाँ, OMC अपना स्टैंडर्ड ट्रेड है, उसमें कोई नई चीज़ है नहीं। फार्मा बायोन डिप्स है, फार्मा अच्छे दिख रहे हैं, सिप्ला वगैरह ये सारे थोड़े मजबूत हुए हैं, तो ये ठीक है, बस दो सेक्टर ठीक लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बैंक्स NBFC रिकवर हो सकते हैं, लेकिन मैंने सेक्टर के तौर पर इसलिए नहीं दिया कि कॉन्फिडेंस कम आता है थोड़ा सा। ठीक है, वायदा बाजार के आंकड़े डिस्कस करें, उससे पहले FISDS इनके आंकड़े बता दीजिए। FIs के आंकड़े थोड़े से न्यूट्रल इसलिए रखे हैं संदीप, देखो कैश में ज़्यादा तो बेचा नहीं उन्होंने, 185 करोड़ का छोटा है, और जितना बेचा उसके सामने 345 करोड़ के आसपास के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी ले लिए, तो स्टॉक्स में नेट नेट खरीदारी है। इंडेक्स बेचा है 409 करोड़ का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है बड़ा, तो इसलिए FIs के आंकड़े हैं न्यूट्रल। लेकिन घरेलू फंड की बिकवाली हुई है बड़ी, 736 करोड़ की बिकवाली, ज़्यादा मानी जाएगी, तो इसलिए घरेलू फंड्स के आंकड़े हैं नेगेटिव साइड पर, ये आपके लिए आंकड़े। ठीक है, अब वायदा बाजार के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हाँ, अब वायदा कारोबार में दो आंकड़े खास तौर से फोकस करिए। 12,101 तो आपने बोला था, एक तो 12,000 और दूसरा है 12,100। पहले 12,000 बता देता हूँ। अच्छा, कल हमने जो क्लोजिंग वाले शो में भी ठोक बजाकर बोला था कि 12,000 पे शॉर्ट काट लीजिए, 35-50 पॉइंट की तो रिकवरी आपको वहीं से दिख जाएगी, 100-150 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी से दिखेगी, वो हुआ भी करेक्ट, निचले स्तरों से रिकवरी आ गई। तो जिन लोगों ने शॉर्ट काट ली वो अब ऊपर के लेवल का इंतज़ार करिए कि ऊपर में बेचना कहाँ है, आप अपनी तैयारी रखिए। लेकिन 12,000 क्यों शॉर्ट काट लेना था, क्योंकि 12,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मंथली वीकली दोनों पुट में था, आज भी है, 56 लाख शेयर वहाँ पर खड़े हैं, उसमें से 8 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। फ्रेश कमजोरी आप तभी फील करिए जब 11,990 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, 30,950 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, तो ही आपको फ्रेश कमजोरी फील करनी है। तो 11,990 के नीचे निफ्टी आज जाना मुश्किल है, गैप से खुलने के बाद तो आप भी मानेंगे कि नहीं जाएगा, ये मजबूत सपोर्ट है, पॉइंट नंबर वन। स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूती ये कब फील करनी है, जब तक आपसे 12,100 पार ना हो तब तक ये मत सोचिए कि आप तेजी में, चाहे आप 70 पॉइंट बढ़ जाए, ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं संदीप, जब तक आप 12,100 के पार ना हो, 12,100 से ही 1 पॉइंट गिनना शुरू करेगा, कल का हाई 12,103 है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, 70 पॉइंट ऊपर तो आपके लिए ना वो गोल पोस्ट हो गए दोनों, 12,100 और 12,000। क्यों मैं कह रहा हूँ उसकी, उसका लॉजिक बताता हूँ। 12,100 के कॉल्स पर 41 लाख शेयर हैं, ठीक है, साइजेबल है, जिसमें वीकली सीरीज में तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 12,100 पर ही है, वीकली सीरीज में 12,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 12,100 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। अब उनमें एक मजे की बात देखिए, कल 14 लाख शेयर आपके कॉल्स में ऐड हुए हैं, कल ही ठीक है। अब 14 लाख शेयर जब कल ऐड हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि मंदी करने वाले लोग जिन्होंने कॉल बेचे हैं वो चाहेंगे कि 12,100 के नीचे रहे, 12,100 के जैसे ही आप ऊपर निकले शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 50 पॉइंट और निफ्टी को ऊपर ले जाएगी, 12,150 तक नॉन स्टॉप बिना रोके, ठीक है, इसलिए 12,100 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप ये मान के चलिए आपको 12,100 तक की एक रुकावट है, हाँ 12,100 के पार निकल कर टिक गए तो फिर 50 पॉइंट की जगह और बनेगी, तब आपको शॉर्ट 12,150 पे करना है, 12,100 पे नहीं, और अगर 12,100 पार नहीं होता है तो फिर वहीं पर आपकी रुक जाएगी, इसलिए 12,100 का लेवल बेहद बेहद अहम है। तो दोनों ही लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदी के हिसाब से 12,000, इसके नीचे ही मैं फ्रेश मंदी सोचूंगा, तेजी के हिसाब से 12,100 के ऊपर टिके तो ही तेजी सोचूंगा, क्लियर है? ठीक है, ये निफ्टी के आंकड़े बैंक निफ्टी 31,000, ये मजबूत सपोर्टर, जहां पर दोनों पुट और कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट तो नहीं कहूंगा, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 8 लाख शेयरों का, ठीक है, तो आप 31,000 के ऊपर हैं तब तक तो डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल ही, 31,000 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही थोड़े बहुत कमजोर होंगे, 31,400 से 31,500 की रेंज में आपको अटकना है,
चार लाख शेयर 31,400 के कॉल में है, 8 लाख शेयर 31,500 के कॉल में है, तो वहां पर जाकर आप रुक जाएंगे। तो 31,400 31,500 की रेंज में आए बिना किसी से पूछे सोचे, बिना सोचे समझे आंख बंद करके शॉर्ट कर दीजिएगा 31,400 से 500। हाँ, अरे परफेक्ट रेंज है। इनफैक्ट अब वही है ना कि वो 31,350 से घूमेगा, 400 से 450, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता उस समय का मूड माहौल क्या रहता है, लेकिन वो परफेक्ट रेंज है शॉर्ट करने की 31,500 के स्टॉप के साथ। तो ऊपर के रेंज में मतलब यहाँ पे भी आप वही कह सकते हैं 31,000 ये सपोर्ट है, अब 50 पॉइंट नीचे गिन लीजिए 30,900, 31,400 31,500 के रेंज में रुकावट है, 50 एक पॉइंट इधर उधर गिन लीजिए, 31,350 से बेचना है, 31,550 तक बेचना है, बेसिकली वही 50 पॉइंट की आपको बैंक निफ्टी में वो रखनी पड़ेगी, 10 से 15 पॉइंट की 3 सिग्मा एरर होती ना वो वाले रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आज के लिए वायदा बाजार के आंकड़े, यहाँ पे आपको बताया गया कि 12,100 निफ्टी पे बहुत अहम है, और निफ्टी की जहाँ तक निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है तो 31,000 और 31,500 ये दो आंकड़े हैं जिस पे आपको खास तौर पे नजर रखनी है। चलिए अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। जनवरी महीने का स्टार परफॉर्मर आज फिर से खरीदारी करने की राय है गेल में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो बहुत मजबूत दिख रहे हैं और लगभग तमाम ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर व्यू बनाकर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन अच्छे नतीजों के दम पर थोड़ी तेजी और बन सकती है, 119 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी चाहिए, 124 और 126 के छोटे टारगेट के लिए मेरी खरीदारी करने की राय है। ओके, तो गेल के फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी, 124 126 का टारगेट है, 119 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस, तो खरीदारी कर सकते हैं, नंबर अच्छे हैं और ब्रोकिंग की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आती हुई दिखी हैं। चलिए अब पूरी रिसर्च टीम को शामिल कर लेते हैं, मेरे साथ मानसी हैं, दीपांशु हैं, कुशल हैं और आशीष भी हैं, खबरों वाले शेयर और साथ ही साथ ब्रोकिंग की रिपोर्ट्स बताने के लिए। आज शुरुआत करते हैं मानसी के साथ। गुड मॉर्निंग मानसी, ट्रिगर से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग संदीप, शुरुआत आज आने वाले नतीजों से। निफ्टी में कोल इंडिया के नतीजे बाजार बंद होने के बाद अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं कि कंपनी अपने नतीजे पेश कर सकती है। इसके अलावा वायदा बाजार में सीमेंस और BHEL के नतीजे पूरे दिन के दौरान कभी भी आने की संभावना है, और साथ ही CSE इसके नतीजे भी आज आने वाले हैं, 1 से 3:30 बजे के बीच नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा कैश सेगमेंट में 43 कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं, तो एक लंबी लिस्ट है कैश सेगमेंट में। इनफैक्ट लास्ट वीक है रिजल्ट सीजन का, थर्ड क्वार्टर का, तो काफी सारे नतीजे हैं जो कि ये 2-3 दिन में आते हुए हम देखेंगे। साथ ही आज 4 बजे वित्त मंत्री राज्यसभा में बजट पर जवाब देने वाली हैं, तो इस इवेंट पर भी हमारी नजर है। इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उसमें सबसे पहले नैल्को नतीजे काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो कंपनी के मुनाफे को देखिए, 30% की यहाँ पर 30 करोड़ का एस्टिमेट हम लगाकर चल रहे थे, लेकिन कंपनी का मुनाफा 300 करोड़ से नेगेटिव में जाता हुआ दिखा है, लॉस में 34 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा अगर आय की बात करें 2015 करोड़ की हम अनुमान लगाकर चल रहे थे, लेकिन 2,718 करोड़ से ये 2,088 करोड़ पर जाते हुए दिखी है। मार्जिन्स के फ्रंट पर यहाँ पर 18.8% से कंपनी के मार्जिन्स 1.64% तक होते हुए दिखे, जबकि अनुमान 5% का था, तो बेहद खराब नतीजे नैल्को के। पेट्रोनेट LNG मार्जिन्स और प्रॉफिट के फ्रंट पर अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे, लेकिन अदरवाइज कमजोर है नतीजे। अगर आय की बात करें 9,361 करोड़ से 8,910 करोड़ पर जाती दिखी है। कामकाजी मुनाफा इनका 1,063 करोड़ का अनुमान हमारा था, 1,108 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा आता दिखा है। मार्जिन्स के फ्रंट पर 11.7% का एस्टिमेट हम लगाकर चल रहे थे, कंपनी के मार्जिन 12.4% आए हैं, और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर 645 करोड़ का हमारा अनुमान था, 680 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और अंत में ऑयल इंडिया, कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं, यहाँ पर तिमाही आधार पर कंपनी की अगर मुनाफे की बात करें 35% की गिरावट देखने को मिली है, 627 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 406 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। मार्जिन 38.7% से 37.1% पहुंचे हैं, और आय के फ्रंट पर करीब 8% की गिरावट, 3213 करोड़ से कंपनी की आय 2952 करोड़ पहुंची है। ओके, तो ये है इवेंट्स और रिजल्ट्स, रिजल्ट्स हैं दीपांशु के पास भी, बताएं। मॉर्निंग अनिल जी, कल्पतरु पार से शुरू करते हैं, ये हमने नतीजे आएंगे कमाई का आएंगे में भी हाईलाइट किया था, अच्छे नतीजे आए हैं, आय में 15% की बढ़त है, वहीं मुनाफे में लगभग 17% की बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा भी 15% बढ़ा है, और मार्जिन 12.3% पर स्टेबल रहे हैं। बजाज कंज्यूमर की बात करें तो खराब नतीजे रहे, आय में लगभग 8.5% की गिरावट है, वहीं मुनाफा भी 17.5% गिरा है, कामकाजी मुनाफा 25% गिरा है, और मार्जिन्स भी 30% से घटकर 25% आए हैं। GICRE की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, हालांकि नेट प्रीमियम में लगभग 11% की बढ़त देखी है, पर घाटा आया है इनका, 1,070 करोड़ का मुनाफा था पिछली बार, 335 करोड़ का, और घाटा इसलिए आया है क्योंकि अंडरराइटिंग लॉस, एक बहुत बड़ा अंडरराइटिंग लॉस आया है 2,815 करोड़ रुपये का। बॉम्बे डाइंग की बात करते हैं, यहाँ पर भी नतीजे
कमजोर रहे। आय में 8.5% की गिरावट है पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 162 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, 195 करोड़ का घाटा था इनका। और रूपान कंपनी की बात करें तो यहां पर अच्छे नतीजे आए हैं, आय में लगभग 6% की बढ़त देखने को मिली है, वहीं मुनाफा 71% बढ़ा है। तो रिजल्ट्स ढेरों सारे हैं दीपांशु ने तो बताए, कुशल के पास भी नतीजों की लिस्ट है, पहले कुशल के पास चलते हैं और जानते हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग संदीप। तो सबसे पहले आईबी रियल एस्टेट, यहां पर नंबर्स कमजोर साइड पे दिख रहे हैं। मुनाफे में 75% की गिरावट के साथ अब करीब 50 करोड़ का मुनाफा ही कंपनी का रह गया है, साथ ही आय में भी 3% की गिरावट देखने को मिली है। फीनिक्स मिल्स नंबर्स बेहद शानदार आए हैं, मुनाफे में 30% के उछाल के साथ 92 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, साथ ही मार्जिन 50.8% पर स्टेबल रहे हैं। और साथ ही कामकाजी मुनाफे में 17% उछाल के साथ 260 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही इंडिया ग्लाइकोल्स नंबर्स वीकर साइड पे दिख रहे हैं, इसके मुनाफे में 11% की गिरावट होकर 27 करोड़ कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो वो भी गिरती हुई नजर आई है, 8.5% के मुकाबले अब 5.8% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, तो यहां पर गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि आय में 24% का इजाफा आया है। कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं, ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे हैं, कामकाजी मुनाफे में 16% का उछाल देखा गया और 72 करोड़ कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही मार्जिन आप देखिए 4% का इजाफा इसमें भी आता हुआ दिखा है, 13.7 से बढ़कर 17.8% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। मुनाफा हालांकि 4% गिरता हुआ दिखा है, 24 करोड़ के मुकाबले अब 23 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और अंत में शीला फोम्स, यहां पर नंबर्स बेहद दमदार आए हैं, इनफैक्ट मुनाफे में 64% का इजाफा देखा गया और अब 64 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर रही है, और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 10.5% से बढ़कर 14.3% हो गई है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो 57% का उछाल यहां पर आया है और 94 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। ओके, ये हैं तमाम रिजल्ट्स हैं मानसी के पास भी, मानसी बताएं। जी गुड मॉर्निंग अनिल जी, 5 कैश सेगमेंट की कंपनियों के नतीजे हैं, 2 अच्छे 2 बुरे और 1 स्टेबल है। शुरुआत वॉल टाइम ट्रांसफॉर्मर से, कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं, आय 215 करोड़ से बढ़ी है, 215 करोड़ से बढ़कर 251 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। मुनाफे के फ्रंट पर 22 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 35 करोड़ जाता हुआ दिखा है, कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। आईओएल केमिकल्स कंपनी के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं, मुनाफे के आंकड़े को देखिए 20% का जंप यहां पर मुनाफे ने लगाया है, 82 करोड़ से 98 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा पहुंचा है, मार्जिन 28.3% से 31.1% पर, कामकाजी मुनाफा 18% बढ़ा है और कंपनी की आय 478 करोड़ से 511 करोड़ पर पहुंचती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा डीएफएम फूड्स कंपनी के नतीजे कमजोर हैं, कंपनी का प्रॉफिट 70% गिरा है, 10 करोड़ से महज 3 करोड़ पर कंपनी का प्रॉफिट रह गया है, मार्जिन 7.9% से 5.4%, कामकाजी मुनाफा 62% तक गिरता हुआ दिखा है और कंपनी की आय 134 करोड़ से स्टेबल रहती हुई दिखी है, 134 करोड़ पर ही। सोमैनी सिरेमिक्स कंपनी के नतीजे स्थिर हैं, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं, कंपनी का प्रॉफिट करीब 14% बढ़ता हुआ दिखा है, 9.2 करोड़ से 10.4 करोड़ पर, मार्जिन 8.2% से 9.2% पर जाते दिखे हैं, कामकाजी मुनाफे में करीब 15% का इजाफा कंपनी ने देखा और साथ ही आय की अगर बात करें 2.5% की बढ़त, 425 करोड़ से 436 करोड़ पर कंपनी की आय आती हुई दिखी है। एचबीएल पावर कंपनी के नतीजे कमजोर हैं, यहां पर कंपनी का मुनाफा 35% गिरता हुआ दिखा है, 6.5 करोड़ से 4 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा देखा है, मार्जिन 6.8% से 7.1% और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 15% की गिरावट कंपनी ने देखी है। ओके, तो ये है रिजल्ट्स, अब बची है खबरें और खबरें हैं दीपांशु के पास, बताइए। अनिल जी, इन्फोसिस से शुरू करते हैं, इन्होंने सेल्स फोर्स कंसल्टिंग कंपनी सिंप्लस का अधिग्रहण किया है लगभग $25 करोड़ में। इस अधिग्रहण से उनका जो क्लाउड कारोबार है उसको फायदा होगा, स्पेशली यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो इनका क्लाउड कारोबार है। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल आज बोर्ड की बैठक है, स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेंगे। आईटीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने सिगरेट की कीमतें 10 से 12% बढ़ाई हैं। डीमार्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, कल कंपनी का स्टॉक ने नया हाई टच किया। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस आ गया है 2049 रुपीज पर शेयर पर है, जो कि कल की क्लोजिंग से लगभग 18% का डिस्काउंट है। और यहाँ पर एक डेटा और भी है कि ये मार्केट कैप के लिहाज से अब इसकी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ हो गई है और भारत की 18वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ पर भी बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है, बायबैक होगा 57 लाख शेयर्स का 210 रुपये पर शेयर के भाव पर, जो कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से 30% का प्रीमियम है। ओके, कुशल के पास है खबरों वाले शेयर और साथ ही फंड एक्शन, बताएं कुशल।
अनिल जी, यहाँ पर कैमलिन फाइनेंस के लिए नेगेटिव खबर आती है, दिखी है, इसमें चीन की फैक्ट्री में खुलने में देरी होगी, ऐसा उन्होंने बताया है, और ये कोरोना वायरस की चिंता को लेकर जो है कैमलिन फाइनेंस पर इंपैक्ट आपको आता हुआ दिख सकता है आज। और कैपेसाइट प्रोजेक्ट का नतीजे तो आए थे इनके, जो मिले जुले थे, ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स थे, पर यहाँ पर एक और पॉजिटिव खबर आई है, इनको 350 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, कंस्ट्रक्शन ऑर्डर, मुंबई के एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ प्रमोटर एक्शन की, तो यहाँ पर आप देखिए HSIL के लिए पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन है, जिसमें पैको एक्सपोर्ट्स जो प्रमोटर है उसने करीब 10.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है, करीब 1.5% इक्विटी की 52.85 प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहां पर नेगेटिव प्रमोटर एक्शन आया है, रेड काइट कैपिटल जो है उन्होंने 30 लाख शेयरों की बिकवाली की है, तो लगभग 4.25% इक्विटी बेची है 68 रुपए के भाव पर। साथ ही टाटा केमिकल्स परसों ये मिराई एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ मुलाकात करेंगे, और साथ ही ग्रीव्स कॉटन, यहां पर भी जो मीटिंग है वो कल होगी 12 फरवरी को, यूटीआई म्यूचुअल फंड, सेफ पार्टनर्स और फ्रैंकलिन टेम्पलटन के साथ। ओके, अब आइए एफआईआर का है वक्त। तो आशीष, पहले रिजल्ट्स वाले। बिल्कुल अनिल जी, पहले दिग्गज कंपनी जो वायदा बाजार से जुड़ी हुई उनके रिपोर्ट्स देख लेते हैं। गेल पर 5 रिपोर्ट्स आई हैं, 5 में से 4 ब्रोकर्स जो हैं पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक है जेपी मॉर्गन जो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन 5 ब्रोकर्स ने जो लक्ष्य हैं वो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे दिए हैं। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 200 रुपये के लक्ष्य लिए, जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 190 रुपये के लक्ष्य लिए, और जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 140 रुपये के लक्ष्य के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि जो ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स 8 साल के ऊपरी स्तर पर देखी गई है, इससे री रेटिंग होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। साथ ही ग्रासिम पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य जो है 950 रुपये से घटाकर 900 कर दिया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे आए थे और नतीजे लगभग अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। क्रेडिट स्वीस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 350 रुपये के लक्ष्य के लिए, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 341 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा ऑयल इंडिया पर CLSA की रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय दी गई है, लेकिन लक्ष्य जो है 225 रुपये से घटाकर 195 कर दिया है, और लक्ष्य घटाने के बाद भी अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली 46% की अपसाइड नजर आती है करंट मार्केट प्राइस से। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेगमेंट में ये सबसे सस्ता स्टॉक है वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो। मदरसन सुमी के भी नतीजे आए थे, थोड़े से कमजोर देखने को मिले थे, जहां पर ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि BS6 का जो ट्रांसमिशन होगा उससे कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में ग्रोथ लौटते हुए नजर आएगी। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 158 रुपये के लक्ष्य लिए, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य में 5 रुपये की कटौती की, 155 से घटाकर 150, और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 157 से घटाकर लक्ष्य 149 रुपये का दिया है। ओके, इसके अलावा कौन सी रिपोर्ट है? कैश सेगमेंट से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज हैं। भारत फोर्ज, जहां पर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ग्लोबल चिंताओं के कारण काफी एक चुनौतीपूर्ण माहौल देखा जा रहा है, साथ ही इतनी गिरावट के बाद भी वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही। नोमिरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 458 से बढ़ाकर 475 का कर दिया, जो कि करंट मार्केट प्राइस से फिलहाल कम है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 401 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस पर CLSA की रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय दी गई है और लक्ष्य दिया 1010 रुपये का। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो आगे जाकर भी डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ की पूरी संभावना नजर आती है। एम्फेसिस के नतीजे आए थे और नोमिरा खरीदारी के राय दे रहे हैं यहां पर, और कह रहे हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, 1110 रुपये के लक्ष्य इन्होंने दिया है। यूनियन बैंक पर क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 56 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया। ये कह रहे हैं असेट क्वालिटी पर अभी भी दबाव जारी है। वोल्टास पर CLSA की रिपोर्ट है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 545 रुपये से बढ़ाकर 610 रुपये कर दिया। ये कह रहे हैं सीजनली वीक क्वार्टर के बाद भी जो AC सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशंस महंगे होने के कारण यहाँ सर और तेज़ी की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। कजारिया सेरामिक्स पर जेफरीज की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 795 रुपये से घटाकर 775 रुपये का दिया है। ये कह रहे कि अगले साल से वॉल्यूम में रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अंत में ICICI प्रोडेंशियल पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, लक्ष्य दिया 535 रुपये का। ढेर सारी रिपोर्ट्स है, पढ़ने में इतना टाइम लगा, बनाने में कितना लगा होगा। चलिए रिकमेंडेशन का वक्त है, हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, पिक ऑफ द डे का बिगुल। चलिए शुरुआत कीजिए बिगुल के साथ, सबसे पहले सुमित जी, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी,
देखिए मार्केट्स में मेरे को लगता है कि आज के दिन में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। कल एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, तो आज मार्केट कैसा खुलता है उसके बाद एक्चुअल व्यू लेंगे, लेकिन मोटा मोटी हमको लगता है कि आज के दिन में कोई भी गिरावट अगर देखने को मिलती है तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढने और इंडेक्स में एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक भी हम बाय का व्यू ही लेके चलेंगे, जिसमें एशियन पेंट काउंटर हमें अच्छा लगता है। एशियन पेंट में कल जो गिरावट आई उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और यहां से एशियन पेंट एक अच्छा मूव दिखा सकता है। जैसे यहां से एशियन पेंट ऊपर में 1875 का लेवल तोड़ेगा 1875, तो उसके बाद हमें एशियन पेंट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसमें 1900 का पहला टारगेट होगा और फिर ऊपर के टारगेट्स 1940 से 1950 तक के एशियन पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे एशियन पेंट्स में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। कल की जो क्लोजिंग है 1869 उसके आसपास खरीदारी करें, कोई भी डिप देखने को मिलता है 1855-1860 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 1840 का स्टॉप लॉस, 1900 से 1940 के टारगेट होंगे एशियन पेंट्स के अंदर। ओके, तो एशियन पेंट्स यहां पर खरीदारी करने की राय है हमारे पहले एक्सपर्ट सुमित जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए अपनी पिक। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं जरा दो मिनट लेना चाहूंगा। पहले एमसीएक्स पे जो क्रूड का चार्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 3540 एक एम लेव सपोर्ट है, वो कल इंट्राडे में उसने तोड़ दिया, यानी क्रूड वीक होता नजर आ रहा है और मेरा टारगेट क्रूड के लिए 3200 का है, यानी इधर से काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल जाना चाहिए। अगर क्रूड गिरता है तो जो सुमित ने एशियन पेंट्स कहा वो तो चलेगा ही चलेगा। दो सेक्टर्स जिसमें ध्यान देना चाहिए वो पेंट, पेंट अलाइड प्रोडक्ट्स और टायर कंपनीज। तो मेरा पेंट अलाइड प्रोडक्ट्स पिडलाइट, इस पे बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि टेक्निकली इसने हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग कल दी, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चलना चालू कर देगा। तो 1568 के स्टॉप लॉस के साथ पिडिलाइट बाय करके चलना चाहिए। 1617-1626 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे आज के लिए। ओके, 1568 का स्टॉप लॉस है, 1617-1617, 1626-1626 ये है आपके टारगेट। गुड मॉर्निंग वागले साहब, बताइए अपनी पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, कल के गिरावट के बाद शायद आज एक ठीक सा बाउंस बैक आ सकता है। बेसिक ट्रेंड डाउन है लेकिन मैं वो बाउंस बैक के लिए प्ले करूंगा। मेरा बाय कॉल है अडानी एंटरप्राइजेस, 244.50 का क्लोज है, मेरा 241 का स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है आज और कल में 252 के लेवल्स आने चाहिए। शायद आज ही अगर बाउंस बैक ठीक ठाक रहा तो आज ही आ सकते हैं। ओके, बंसल जी गुड मॉर्निंग, आप भी खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, अनिल जी खरीदेंगे और खरीदारी कराए अनिल जी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर। काफी समय से अनिल जी स्टॉक चला नहीं है, काफी सालों से चला नहीं है अनिल जी, अब बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और अगर आप अनिल जी फंडामेंटली देखें तो जो मिडिल क्लास है अनिल जी, मध्यम वर्गीय परिवार है अनिल जी, उसके घर पे इसका एक ना एक प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा, या तो स्टीम आयरन, गीजर, टोस्टर या ओवन, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और इसको खरीदने की राय है 406 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 495.60 के टारगेट के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल को खरीदने की राय है। तो ये इतने सालों से नहीं चला तो आज क्यों चलेगा फिर? अनिल जी अब तो चार्ट्स पे ब्रेकआउट हुआ है और फिबोनाची के हिसाब से मैंने टारगेट्स निकाले हैं एग्जैक्ट डेसिमल्स के अंदर, तो अनिल जी मुझे तो चलने की पूरी उम्मीद है। ओके, और ये 495 आज ही हो जाएगा फिर चलते चलते? देखिए अनिल जी आशा तो अनिल जी कुछ दिनों की करनी चाहिए, आज हो जाए तो वेरी गुड है। ओके, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आज हो जाए तो फिर आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। ओके कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, देखिए मेरी पिक वही थी जो कि किरण जी ने अभी अभी खरीदारी की राय दी है पिडिलाइट में, तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है पिडिलाइट में बड़ा ब्रेकआउट है, 1556 रुपए पर मेरा स्टॉप लॉस है और 1615 के टारगेट के लिए पिडिलाइट बाय करना है। लेकिन क्योंकि ये पिक ऑलरेडी किरण जी ने दे दी है, अनिल जी एक और पिक मैं देना चाहता हूँ। ये स्टॉक की चर्चा हमने कुछ दिनों पहले की थी अगर आपको याद हो, स्टॉक का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स अनिल जी, जो कि पहले एक्सेल क्रॉप केयर होता था और जिसमें बेतहाशा पैसा बना है, जिसके अभी वापस से रीलिस्टिंग हुई है सुमिटोमो के नाम से। मुझे लगता है कि अगर आपको एक एमएनसी स्टॉक किसी गिरावट में खरीदना चाहिए तो वो सुमिटोमो को खरीदे। इस स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, 270 रुपए का भाव हो चुका है ऑलरेडी। जब ये लिस्ट हुआ था उस समय इसका भाव लगभग 200 रुपए के आसपास था। अभी इस स्टॉक को खरीदे किसी गिरावट में और यहाँ पर 315-320 का लक्ष्य होगा। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था अनिल जी? पहले इसका नाम एक्सेल क्रॉप केयर होता था। हाँ, एक्सेल क्रॉप केयर, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। सुमिटोमो केमिकल ये खरीदें, अभी आजकल जिसके नाम में आगे केमिकल लगा हो सब खरीद लें, लेकिन अच्छे कौन से वो कुणाल जी बताएंगे, और खास तौर से अच्छों में भी बढ़िया विदेशी कंपनियां कौन सी अच्छी है
वो कुणाल जी के पोर्टफोलियो में दिख जाएगा, जिसमें सुमितोमो भी उनके पोर्टफोलियो में शामिल है। शर्मा साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी पिक ऑफ द डे। सर पिक ऑफ द डे तो मेरी ऐसी है कि जो मैं स्टॉक अभी मैं नॉर्मली फंडामेंटली कमेंट करता हूँ, तो अभी मेरा टेक्निकल डिस्क्लोजर आपके पास आएगा थोड़ी देर में, मन को उसको दिखा दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि कल जिस तरह के अभी कवरेज में नहीं है, पहले बता रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल बाय है, ठीक है, वो है शीला फोम्स। तो क्या रिजल्ट आए इसके? हाँ तो रिजल्ट अच्छे थे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से टेक्निकली देखें तो कल ये रेड कैंडल थी, तो बढ़ने की संभावना नहीं, पर अच्छे रिजल्ट आए इसकी वजह से। टेक्निकली आप 1586 जो क्लोजिंग है ये मेरा भाव, और 1570 ज़्यादा नहीं, इतना ही इसका स्टॉप लॉस, और टारगेट आप यहाँ से कम 7-8% तो ऊपर ले लें। 7-8% ओके, लगभग 100 रुपये, 1675 से 1690 ये हो गया आपका टारगेट। शीला फॉर्म बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद, मुनाफा 39 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़, कामकाजी मुनाफा 60 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़, मार्जिन 10.5% से 14.25% और 658 करोड़ पर पहुंची आय 15%। सर बिल्कुल, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ट्रैक करूँ आपके लिए? सही बात है सर, आपके बोलते देखिए सारे के सारे रिजल्ट बोल डाले। तो शर्मा साहब की पसंद है शीला फॉर्म, और आपको और भी तो पसंद है सर स्टॉक? और नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, मैं बता दूं जी। बोलिए बोलिए बताइए, शर्मा साहब की पसंद के शेयर शर्मा साहब को ही बताइए। 363 का भाव है, 353 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट आपका 381 है, ये एक दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए है। इसमें जो प्राइस है वो ट्रायंगल ब्रेकआउट इसके अंदर हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, ऑसिलेटर्स भी पॉजिटिव हैं, इसमें आप जरूर नजर रख सकते हैं। और जो दूसरी जो पोजिशनल ट्रेड है वो है गैलेक्सी सर्फिकेंट्स, ये एक ऐसी कंपनी है जो फिलहाल केमिकल्स के बनाती है और अच्छा कर सकती है। तो 1643 रुपये का भाव है, और इसके अंदर आप 1560 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, और 1805 यानी कि 10% जैसा ऊपर हमारा टारगेट है 5 से 6 दिन के अंदर। ठीक है सर, परफेक्ट है दोनों? बिल्कुल सही सर। तो शर्मा साहब से अगर आपको ज्ञान लेना हो और पिक्स लेनी हो तो सिर्फ सुबह नहीं शाम को भी, हमसे ज़्यादा काम शर्मा साहब कर रहे हैं। देखिए सुबह 8 बजे वाला शो कर रहे हैं, वो कल 7:30 से 8 बजे लाइव भी शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप भी थे अनिल जूस में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन पिक्स शीला फॉर्म वोखार्ड गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ये भी केमिकल वाली कंपनी। हाँ केमिकल वाली कंपनी। अब इसमें एक दूसरा और जो मुझे पसंद आया था कॉन्ट्रैक्टर का, वो मैं 10 बजे में बता दूंगा। परफेक्ट, अच्छा 10 की कमाई के, आपकी कितनी प्लानिंग रखनी पड़ती होगी, 10 की कमाई के लिए क्या रखना है, 8 बजे के पिक ऑफ द डे के लिए क्या रखना है, शाम को बाजार आजकल के लिए क्या रखना है, गजब की प्लानिंग करनी पड़ती है। ये कुछ स्टॉक जो एक्शन में रहेंगे वो है नेल्को, नतीजे हर लिहाज से बेहद खराब है, लेकिन खराब नतीजे के बाद क्या गैप से नीचे खुलने के बाद बाउंस हो सकता है या और गिरेगा? चार्ट देखिए किरण जी और बताइए नेल्को में करना क्या है। नेशनल एल्यूमिनियम, मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न तो वीक ही है, मुझे नहीं लगता इधर से बहुत बड़ी अपसाइड देखने मिलेगी, बल्कि ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 41.5-41 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है वो, तो इस टारगेट्स के लिए शॉर्ट करने की सलाह होगी। ठीक है, लेकिन सुमित जी एक बार पेट्रोन एलएनजी इसको भी देखिए, इसके नंबर्स आप देखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट आपको कमजोर नजर आएंगे, लेकिन उतने कमजोर नहीं आए हैं जितना हम अनुमान करके चल रहे थे। कल भी आप देखिए बाजार कमजोर था, 5% ही नीचे बंद हुआ है, क्या चार्ट पैटर्न्स में कोई ऐसा लेवल इंडिकेट हो रहा है कि खदाई के मौके इसमें देखने लायक है ऐसा ये स्टॉक? जिस तरह से आपने कमेंट्री में मिक्स्ड व्यू के साथ पेट्रोनेट पे कहा है, उसी तरह से चार्ट्स के ऊपर भी ये साइडवेज मूव दिखा रहा है, स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी का जो नीचे पे सपोर्ट है वो 260 के आसपास है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 280 के आसपास है, ये इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा ऐसा लगता है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक इसमें कोई वन वे अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा नहीं। नीचे में 260 का सपोर्ट है, यहां से थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है जिसमें 280 से 285 तक का मूव देखने को मिलेगा, उसके बाद ही इसमें कोई बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल स्टॉक को रेंज में समझे, कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है 2 से 4 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 260 के स्टॉप लॉस से 280 के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है, वो है कल्पतरु पावर। नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, शानदार नतीजे हैं, शानदार मतलब इस माहौल में बहुत बढ़िया कहे जाएंगे। रेवेन्यू 15% बढ़ा है, मुनाफा 17% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 15% है,
और 12.5% के आसपास मार्जिन स्थिर हैं। तो किसी भी लिहाज से नंबर्स अच्छे ही कहे जाएंगे, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं आपको बताया भी गया था वहां से स्टॉक काफी भागा भी है। कुणाल जी, इसके चार्ट पर राय दीजिए अपनी। अनिल जी, देखिए चार्ट अच्छा है, अभी भी स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है और एक सपोर्ट भी अब बन गया है 440 के आसपास। मुझे नहीं लगता उस लेवल से नीचे जाएगा। जैसे ही स्टॉक 465 के ऊपर जाएगा इसमें नई तेजी देखने को मिलेगी। 465 के ऊपर एक पैटर्न भी बन जाएगा जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो 465 के ऊपर मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए, 500 रुपये तक का टारगेट बनेगा। और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजिशन है 440 का स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की राय। ओके, ITC 10-12% सिगरेट के दाम बढ़ा दिए हैं, जो कि उम्मीद ही थी। जब भी इनके टैक्स बढ़ता है ये बढ़ा देते हैं, इस बार भी टैक्स बढ़ा, इस बार भी इन्होंने बढ़ा दिए। स्टॉक गिरते गिरते सर 200 पे आ गया, 210 पे आ गया, अब क्या? देखिए ये ITC इस वक्त एक डिविडेंड डील का स्टॉक बन गया है और ये जो स्मोकर की जो कैटेगरी है वो प्राइस इनसेंसिटिव है, क्योंकि उनको तलब है तो वो किसी भाव पे उसको खरीदेंगे। एक या दो दिन वो थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे, फिर वापस उसी पे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 10-12% की जो वृद्धि ये लोग कर रहे हैं प्राइस के अंदर, वो मेरे ख्याल से इनके पूरा जो बजट के अंदर जो भी बढ़ी हुई चीज़ें थी उससे ज़्यादा कहीं ये कवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इस कंपनी के लिए अच्छा न्यूज़ है, शेयर धारकों के लिए भी। ओके, अच्छा किरण जी, ये डीमार्ट में क्या करना है? ये खुले नीले आकाश में ट्रेड कर रहा है, कल भी आप देखिए तो बहुत गजब का मूव इसमें देखने को मिल रहा था। QIP का जो फ्लोर का प्राइस आया है, जो इशू प्राइस आया है QIP का, वो नीचे है 18%, लेकिन स्टॉक में तो काफ़ी दमदार मूव देखने को मिला। कल भी आप देखिए डे हाई पे 8.5% चढ़ के बंद हुआ है, ये और भी ऊपर जाने की गुंजाइश है इसमें सर? बिल्कुल, जो नो रेजिस्टेंस जोन में जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आते हैं। और मेरा मानना है कि अभी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि कोई प्राइस पैटर्न नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास है उनके लिए होल्ड ऑन करने की सलाह है। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 23-30 का रखने की सलाह है और ट्रेल करके चलना चाहिए। ये एक आउट परफॉर्मर काउंटर है और रहेगा। ओके, वागले साहब, एक कैश सेगमेंट का स्वागत है। बॉम्बे डाइंग, मुझे याद है आपने एक बार 10 की कमाई में दिया था, ये कंपनी के नतीजे आए हैं, शानदार नतीजे हैं, घाटे से ये कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है, क्या करना है सर? अभी भी आपकी खरीदारी की राय इस पे इंटैक्ट है? संदीप, ये एक रेजिस्टेंस पे है, अगर ये निकल जाता है तो इसमें एक बड़ी वाली मूव आ सकती है, 95-96 मे बी 97 का वो लेवल है। कल का हाई लगभग 95.50 था, उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगेगा तो मैं 105-108 तक की बात करूंगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कि वन वे कोई भी लेवल पे बाय किया जाए, थोड़ा सा देख के बाय करना होगा। शर्मा साहब, ये जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज है जिसमें GIC री इंश्योरेंस वाला प्ले है, कल नंबर्स आए हैं, नंबर्स खराब आए हैं बहुत, इनफैक्ट ये मुनाफे से घाटे में आई है, 1070 करोड़ का घाटा है, 336 करोड़ का मुनाफा था, कैसे देख रहे हैं आप इस नंबर्स को, और आज अगर गिरावट होती है क्या रणनीति होगी फिर इसमें? देखिए, हम जो री इंश्योरेंस के अंदर उतना मार्जिन नहीं होता और वैसे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो इसमें आप नीचे लेने की कोशिश न करें। बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिकमेंड करते हैं, वो अपनी जगह पे सही होंगे, सही होंगे, पर हम ये मानते हैं कि इनके अंदर अभी भी प्राइवेट सेक्टर के जो इंश्योरर्स हैं वो अपना बेटर बिजनेस करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा उसके रियलिटी के नज़दीक होते हैं और अपने रिस्क को भी अच्छी तरह से कवर करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो कंपनियाँ लेना अच्छा है। जो कंपनी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, बंसल जी, जरा आपका फेवरेट स्टॉक देखिए, फिनिक्स मिल्स, कल बाजार बंद होने के बाद बेहद दमदार नतीजे, 71 करोड़ से मुनाफा 92 करोड़, कामकाजी मुनाफा 222 करोड़ से 260 करोड़, और रेवेन्यू बढ़ा है 16% 512 करोड़। एक और आईबुल रियल के नतीजे देखिए बेहद खराब, दूसरी तरफ इसने नतीजे दिए हैं बेहद दमदार। रियल इस्टेट के दो प्लेयर, अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस। फिनिक्स मिल्स क्या 875 पे भी खरीदेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अनिल जी, खरीदना चाहिए। एक तो अनिल जी, बजट के बाद जो एक नेगेटिव आउटलुक बना था रियल इस्टेट के लिए, उसमें स्टॉक पे बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आई, लीस्ट करेक्शन आई, और उस करेक्शन में भी इसका पैटर्न डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। 800 से लेकर 810 एक अहम सपोर्ट है, वो लेवल्स इंटैक्ट हैं, और अनिल जी इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर अगर स्टॉक 845 के अराउंड मिल जाए तो वो अच्छा एक एंट्री पॉइंट है, और उस दाम के अराउंड खरीदना चाहिए 1000 के टारगेट के लिए। ये टारगेट्स अनिल जी मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में दिए हुए हैं। एस्टर DM, जरा इसके चार्ट देखिए सुमित जी, और बताइए इस स्टॉक पे क्या राय है आपकी।
इसने अपना बायबैक ऐलान किया है, नतीजों के साथ 210 रुपए में 57 लाख शेयरों का बायबैक करेंगे। रिजल्ट तो ठीक ठाक रिजल्ट, लेकिन बायबैक ये एक ट्रिगर है, बताइए कुछ है चार्ट्स में दम या छोड़ दें? चार्ट्स भी ठीक है अनिल जी, चार्ट्स के अंदर भी पिछले तीन महीनों में अगर देखेंगे तो लोअर लेवल से बहुत बढ़िया अपमूव देखने को मिला है। स्टॉक ऑलमोस्ट 120-130 रुपए के लेवल से 160 के पास आ चुका है और इस स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करना भी स्टार्ट कर दिया, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज और रेंज बाउंड घूम रहा है, बट जल्दी लगता है ये स्टॉक में यहां से अपमूव देखने को मिलेगा, जिसमें 170 का लेवल टूटने के बाद 170 ये लेवल टूटने के बाद ऊपर में 190 से 200 रुपीज तक का मूव एस्टेट डीएम में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश बाय का व्यू भी बना सकते हैं। नीचे में 155 या फिर 150 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। 190 से 200 रुपए तक का मूव जल्दी एस्टेट डीएम में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है किरण जी, एक बार इंफोसिस के चार्ट देखिए कितना दम है इनमें, क्योंकि खबर तो अच्छी आई है कि सेल्सफोर्स कंसल्टिंग कंपनी है सिंप्लस, $25 करोड़ में इन्होंने अधिग्रहण किया, माना जाए क्लाउड कारोबार में इनको काफी मदद मिलेगी इससे। चार्ट किस तरह के हैं? देखिए सपोर्ट पे है इंफोसिस और इधर से एक उछाल देखने को मिल सकता है और 790 एक बैरियर है, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए अगले एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए। 790 का ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक में एक नई तेजी देखने को मिलेगी, पर जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक है, रिस्क बहुत कम है अगर इधर बाय करते हैं। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी स्टॉप लॉस 762 का रखना चाहिए। एक और स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है और कुणाल जी इसके चार्ट देखिए, केमलिन फाइन केमिकल्स, जहाँ राधाकृष्ण दमानी जी ने थोड़ी खरीदारी भी की थी। स्टॉक कल कमजोर हुआ था, कल खबरें आई थी कि इन्होंने अपना चाइना का प्लांट बंद किया हुआ, इस वजह से स्टॉक 10% गिरा है। एंट्री पॉइंट क्या सही है, कहाँ खरीदना चाहिए ये बताइए। अनिल जी देखिए, एक बड़ा सपोर्ट जो है वो 69 के आसपास है, 74 रुपए की बंदी है, तो मुझे लगता है कि और 3-4 रुपए यहां से गिर जाए, 69-70 के आसपास मिले तो खरीदने में हर्ष नहीं है। डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड लग रही है, मुझे नहीं लगता है कि 70 रुपए से नीचे जाएगा, तो 69 से 70 के रीजन में मुझे लगता है डेफिनेटली बाय करना चाहिए। सुमित जी एक बार HSIL इसके चार्ट देखिए, कल प्रमोटर ने 10.5 लाख शेयर खरीदे हैं, 1.5% के आसपास का हिस्सा है, तो प्रमोटर ओपन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं, क्या चार्ट पे इंडिकेशन है खरीदारी के? संदीप जी मेरे से सवाल आना ये? जी जी देखिए HSIL के अंदर थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, लास्ट दो दिनों में लोअर लेवल से तेजी तो बनी है, लेकिन चार्ट्स इतने कन्विंसिंग है नहीं, तो थोड़ा सा अपसाइड मूव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन आज का दिन का किस तरह का मूव आता है उसको देख के बाइंग का वेट करना चाहिए। अगर आज 54 रुपए के ऊपर अगर आज सस्टेन करता है 54, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर 60 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में लास्ट दो दिन पहले के जो लो लगे 48 रुपए वो स्टॉक के अंदर सपोर्ट है, अगर वो टूटेंगे तो स्टॉक खराब हो जाएगा, जब तक वो लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक यहां से एक बाउंस एक अपसाइड मूव देखने का उम्मीद है। 54 रुपए का लेवल टूटने के बाद 60 से 62 रुपए तक का अपसाइड मूव HSIL के अंदर देखने को मिल सकता है। परफेक्ट, ओके चलिए एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं, वो है कोल इंडिया। आज नतीजे आने वाले, कमजोर नतीजों की आशंका है, तो रिजल्ट आने के बाद डिविडेंड के लिहाज से खरीदा जाए, क्या ठीक ठाक से लेवल है शर्मा साहब जहाँ एंट्री करनी चाहिए? देखिए रिजल्ट आने दीजिए और रिजल्ट में जिस तरह की आशंका है कि 22% नेट प्रॉफिट गिरेगा वाई बिजनेस में, वो अगर ऐसा हो जाता है तो उस लेवल पर ये बाय करने लायक रहेगा। एसेंशली ये एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक है जी, और आपको ये ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि डिविडेंड थोड़ा जिस पिछली बार दिया था 13.10 रुपये उससे कम आ सकता है, लेकिन ऐसी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि वह बढ़कर आएगा, और खास इसलिए कि अब वो टैक्स नहीं कटेगा, और उस दृष्टि से जो लोअर टैक्स वाले जो ब्रैकेट में जो लोग हैं 10% या 20% वाले लोग, उनके लिए डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो उन लोगों को ये इसको डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, ये अपना 10 जितना डिविडेंड यील्ड आपको एक्सपेक्टेड है उससे 1.5 गुना, 7% डिविडेंड यील्ड है, 10-12% इसमें जब कभी भी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाए तो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न्स वापस आपका 9-1% जैसा पढ़ने पड़ेगा 30% टैक्स रेट के साथ भी, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो उस तरह के जो लोग हैं वही इसमें ले, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ वाले उनको थोड़ा रिस्क है वो लोग नहीं ले, डिविडेंड यील्ड के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लिक्विड है। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर आया।